हेलो माय डियर किड्स, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू ऑल आर फाइन. ओके, वी स्टार्ट टू लर्न एमएसएसएस. वी हैड स्टार्टेड टू लर्न ना व्हाट वी हैड डन. एमएसएसएस में हमने क्या कुछ कर लिया था? बेसिकली हमने बताया था एमएसएसएस को कैसे ओपन करते हैं, डिफरेंट व्यूज हमने किए थे. ठीक है, थोड़ा सा इसका ओवरव्यू करते हैं. कैसे स्टार्ट करते थे हम? यहाँ पे माउस से आप क्या करते थे? राइट क्लिक प्रेस करते थे, देन न्यू पे लेफ्ट क्लिक प्रेस करते हो, देन आप कौन से फाइल सेलेक्ट करते हो? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 डेटाबेस, यहाँ से आप सेलेक्ट करते हो तो डेस्कटॉप पे ये आइकन बन जाता है. देन आप इस पे डबल क्लिक करते हो तो इस तरह से आपका ये ओपन हो गया एमएस एक्सेस. तो यहाँ पे आपने क्या करना है? क्रिएट करने हैं टेबल. तो आप किस पे जाओगे? क्रिएट पे. होम के साथ ही ये है क्रिएट. तो यहाँ पे किस पे क्लिक करोगे? टेबल पे. टेबल पे जब आपने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो आपका टेबल वन नेम है, आईडी क्या है? बाय डिफॉल्ट आपका फील्ड नेम आता था. तो यहाँ पे आप न्यू फील्ड कैसे ऐड करते थे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था. जैसे सपोज मुझे यहाँ पे क्या करना है? रोल नंबर करना है. ठीक है, तो उसके बाद मुझे क्या करना है? नेम करना है फॉर एग्जाम्पल. देन उसके बाद मुझे क्लास करनी है. तो ये मेरे फील्ड के नेम मैंने ले लिए हैं, रोल नंबर, नेम एंड क्लास, राइट. तो व्यू कैसे देखते थे हम? व्यू में जाते थे, डिजाइन व्यू में इसकी टाइप आती थी डेटा टाइप. टेबल नेम आप किसी से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो. यहाँ पे क्या नेम है? टेबल वन नेम है यहाँ पे. तो आप क्या करते हो, टेबल का नेम भी चेंज कर सकते हो. मुझे टेबल वन ही रखना है तो मैं ओके कर रही हूँ. तो यहाँ पे देखो आईडी, ऑटो नंबर, रोल नंबर, टेक्स्ट, नेम वन, टेक्स्ट, क्लास, टेक्स्ट. तो मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि हम कुछ डेटा टाइप के बारे में स्टडी करेंगे, तो आज हम वही डेटा टाइप बताने लगे हूँ कि क्या होता है. जैसे अब रोल नंबर टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, राइट. तो टेक्स्ट पे आप क्या क्लिक करते हो? जब इस ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है ना ड्रॉप डाउन बॉक्स में, इसको आप क्लिक करते हो तो आपके पास डिफरेंट डेटा टाइप आपको दिखाई दे देते हैं. तो टेक्स्ट है, मीमो है, नंबर है, डेट टाइम, करेंसी. सबसे पहले हम टेक्स्ट की बात करते हैं. तो नाम से भी क्लियर है टेक्स्ट में क्या है. आप अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स ले सकते हो. अल्फा न्यूमेरिक मतलब आप यहाँ पे लेटर्स भी ले सकते हो, नंबर्स भी ले सकते हो, लेकिन जो भी आप यहाँ पे लोगे वो कैलकुलेशंस के लिए आप यूज नहीं कर सकते, है ना. कई बार कुछ नंबर्स होते हैं तो हम उनका कुछ कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे वो चीज नहीं होगी. तो यहाँ पे जस्ट ये स्टोर करेगा टेक्स्ट और नंबर्स का कॉम्बिनेशन स्टोर करेगा. ठीक है, तो उनको हम जब सिंपली नंबर चाहिए तो उसके लिए हम ये टेक्स्ट नहीं यूज करेंगे. यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को ही स्टोर करेंगे. डेटा टाइप का बेसिक मतलब क्या होता है? आप वो टाइप ऑफ डेटा मीन्स इस रोल नंबर में किस टाइप के डेटा को आप स्टोर करोगे. ठीक है जी. उसके बाद है नेम वन, ये मेरा फील्ड का नेम है. तो आगे मैंने इसका नेम लिया, टेक्स्ट लिया, तो मैंने यहाँ पे भी टेक्स्ट ले लिया. रोल नंबर, चलो कई बार रोल नंबर जैसे होता है 101, 102, तो नंबर टाइप का होता है, तो मैं रोल नंबर क्या ले लेती हूँ? नंबर टाइप का ले लेती हूँ. तो यहाँ पे मैं सिर्फ नंबर लूंगी, 1, 2, 3, कुछ भी, 101, 102, 103. नंबर में सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगी? इंटीजर वैल्यूज आएंगी या फिर क्या आएंगी? डेसिमल वैल्यूज आएंगी. ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेशंस के पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. जैसे हम मार्क्स यूज करेंगे, अगर कॉलम नेम मार्क्स लेते हैं तो उसको हम क्या रखेंगे? हमारा नंबर टाइप का रखेंगे. रोल नंबर हम टेक्स्ट भी ले सकते हैं और नंबर भी ले सकते हैं, तो मैंने एक बार नंबर ले लिया, राइट. उसके बाद क्लास, क्लास भी हम अल्फा न्यूमेरिक रखेंगे. यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट और नंबर्स होंगे, तो ये यहाँ पे टेक्स्ट ही रहने देते हैं. तो मैंने आपको टेक्स्ट के बारे में बता दिया, ये अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, यहाँ पे नंबर्स एंड टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन होता है. नंबर मैंने बता दिया आपको, जहाँ पे सिर्फ हम डेसिमल वैल्यूज और इंटीजर वैल्यूज को रखेंगे और इसको हम कैलकुलेशन पर्पज के लिए यूज करते हैं. आगे है मीमो. मीमो का क्या मतलब है? अगर सपोज आपने काफ़ी बड़ा डिस्क्रिप्टिव मतलब लेना है, कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है, तो अब न्यूमेरिक में टेक्स्ट में क्या होता है कि आप सिर्फ 255 करेक्टर्स ही स्टोर कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते. लेकिन मीमो में क्या है, आप
65,535 करेक्टर्स स्टोर कर सकते हो, तो काफ़ी बड़ी रेंज हो जाती है। तो अगर हमने काफ़ी बड़ा मैसेज यूज़ करना है तो हम मेमो जो है वो डेटा टाइप यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे आ जाता है डेट टाइम, नाम से भी क्लियर है। जैसे सपोज किसी की हमने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखनी है एम्प्लॉयज़ की, डेट ऑफ लीविंग लिखनी है, तो उसके लिए हम कौन सा फील्ड यूज़ करेंगे, डेट टाइम। इसमें हम डेट की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, डेट एंड टाइम को हम स्टोर कर सकते हैं इस टाइप में। उसके बाद है करेंसी। करेंसी क्या होता है वही आपको पता ही है, हर किसी करेंसी डिफरेंट, जैसे इंडियन की रुपीज़ है, ठीक है, डॉलर यूज़ होता है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डॉलर सिंबल प्लेस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे करेंसी की वैल्यू को हम स्टोर करते हैं, मीन्स यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा यूज़ होता है, जो आपका डॉलर साइन है, डेसिमल है, कॉमा पोजिशंस हैं, ये ऑटोमेटिकली आपके शो हो जाते हैं जब भी आप इसकी वैल्यू डालते हो, तो वो करेंसी की शेप में आपको रिप्रेजेंट करता है। जब हम आगे करेंगे ना तो आपको दिखाई देगा कि कैसे ये ऑटोमेटिकली ले रहा है। ऑटो नंबर क्या है आगे, ऑटो नंबर क्या, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता रहता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरह से ऑटोमेटिकली यूज होता है। ठीक है, आगे येस नो क्या होता है, कई बार किसी फील्ड की दो ही वैल्यूज होती हैं, या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, ठीक है, या तो येस होगा या फिर नो होगा, तो उस केसेस में हम इस फील्ड को यूज करते हैं, या येस होगा और या फिर नो होगा। OLE होता है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ये हम बाद में करेंगे। हाइपर लिंक्स डिफरेंट लिंक्स क्रिएट करने के लिए होता है। अटैचमेंट, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फिर कोई आपने फाइल है उसको अटैच करना है तो उसके लिए हो जाता है। ठीक है, मतलब ये वाले जो हैं वो हम बाद में बताऊंगे, वैसे तो हम सभी स्टडी करेंगे, थोड़ा सा इनको समझने के लिए आपको बेसिक समझना होगा कि सारा कैसे चलता है हमारा एमएस एक्सेस। तो आज हम क्या यूज़ कर रहे हैं, दो डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं, एक टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं, एक नंबर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आईडी फील्ड जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस में आता है, तो यहाँ पे क्या देखो, एक की सी बनी हुई है, तो अगर इसको राइट क्लिक एक बार करते हो तो ये प्राइमरी की शो करते हैं। मैंने एक बार इसको डिलीट ही कर देती हूँ, तो यहाँ से मैंने इसको राइट क्लिक किया, देन यहाँ पे ये आपका ऊपर होना शो हो जाएगा, तो आप प्राइमरी की यहाँ से हटा सकते हो या फिर डिलीट भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से हटाया तो ये देखो, ये की यहाँ से चली गई है, अब यहाँ पे कोई भी की नहीं है। ठीक है जी, प्राइमरी की का कंसेप्ट बताती हूँ, वेट, पहले मैं यू मस्ट वॉन्ट टू सेव टेबल नाउ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मेरे चार टेबल नेम है, आईडी, रोल, फील्ड नेम है आईडी, रोल नंबर, नेम एंड क्लास। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, आईडी क्या है, ऑटो नंबर है, रोल नंबर क्या है, नंबर है, नेम क्या है, टेक्स्ट है, क्लास क्या है, टेक्स्ट है। सपोज मैंने रोल नंबर डाल दिया 101, नेम मैंने डाल दिया ए बी सी, क्लास मैंने डाल दी है सपोज फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद रोल नंबर लिया 102, देखो मैंने यहाँ पे 2 नहीं प्रेस किया था, लेकिन ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि ये ऑटो नंबर है, ये बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट होता रहता है जो भी आप वैल्यू आप यहाँ पे देते हो। ये नेम आप कुछ भी ले सकते हो, राम, श्याम, जो भी आपकी क्लासेस में नेम है, मैंने ए बी सी बी डी एफ ऐसे ही ले लिया है। तो फर्स्ट क्लास है वो, सेकंड आगे जो है हमारे सेकंड ग्रेड है, इस तरह से यहाँ पे मैंने क्लास का नेम ले लिया, फिर मैंने रोल नंबर लिया 103 ले लिया, देन यहाँ पे जी एच आई लिया, क्लास मैंने ले ली थर्ड ले ली है। ठीक है, इस तरह से रोल नंबर, नेम एंड क्लासेस मैंने एंटर कर लिए। ठीक है, तो मैंने इसको सेव करना है, सेव करने के लिए आप जस्ट यहाँ पे भी जो ऑफिस बटन है यहाँ पे सेव कर दो, तब भी ये सेव हो जाता है। उसके बाद क्या है, मैं क्या करती हूँ, सपोज यहाँ पे रोल नंबर 101 है ना, आपने यहाँ पे नंबर लिया था, मैं सपोज यहाँ पे ए बी सी एंटर करती हूँ, देखो क्या आया, द वैल्यू यू एंटर डजेंट मैच द नंबर डेटा टाइप इन दिस कॉलम, मैंने आपको बताया था ना, तो यहाँ पे क्या है, नंबर डेटा टाइप वैल्यू ली हुई है, तो यहाँ पे सिर्फ नंबर ही आप एंटर कर सकते हो, कोई अल्फा न्यूमेरिक नहीं एंटर कर सकते। ओके, तो इस तरह से इसको यहाँ से इरेज करो। अगर मैं यहाँ पे फिर से 101 बाय मतलब ले लिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल जी एच वन भी ले लेगा, देखो यहाँ पे क्योंकि अल्फा न्यूमेरिक है, क्लास पोज थर्ड है, यहाँ पे देखो 101 क्या है, यहाँ पे भी 101 आ गया, यहाँ पे भी 101 आ गया, तो अब ये क्या है, डुप्लीकेट हो गया,
तो हम अब अगर कोई टेबल बनाते हैं, है ना, रोल नंबर क्या होता है कि यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए, मीन्स यूनिकली का मतलब कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। जैसे आपकी क्लास है, आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी के रोल नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं ना। रोल नंबर 1 हो गया, रोल नंबर 2 हो गया। जैसे रोल नंबर 1 अगर राजन का है फॉर एग्जाम्पल, तो रोल नंबर 3 जो है वो किसी और बच्चे का होगा, ये तो नहीं है 1 राजन का भी होगा और 1 मोहित का भी होगा। मीन्स एक रोल नंबर 2 बच्चों को एलोकेट नहीं हो सकता, तो ये जो है हमारा रॉन्ग है। तो अगर ये तो हमारी छोटी सी मतलब टेबल है जिसमें हमने थोड़े से रिकॉर्ड्स एंटर किए हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड्स कहते हैं। तो अगर हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जब हम एंटर कर लें तो अब हम पता ही ना चले कि हम डुप्लीकेट रोज ऐड कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं, प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है डेटा को, ठीक है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स एंटर ही नहीं करने देती। आपने देखा था ना आईडी के आगे भी लिखा हुआ था इस तरह से, तो वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आपके टेबल पे एंटर ही नहीं होने देती। जैसे अब 101 आपने एंटर किया, ठीक है, अगर आप बाद में जब प्राइमरी की लगाते हो ना तब तो वो एंटर ही ना करने देती। तो प्राइमरी की आप कैसे लगाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप व्यू पे चले जाओ, व्यू पे गए, व्यू पे कहाँ पे जाना है, डिज़ाइन व्यू पे चले गए, तो आपने रोल नंबर के आगे प्राइमरी की लगाना ना, कि रोल नंबर सभी का यूनिक होना चाहिए, कोई डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए जो भी यहाँ पे वैल्यू हम दें। तो रोल नंबर के फील्ड को आप सिलेक्ट करते हो, देन राइट क्लिक प्रेस करते हो, राइट क्लिक प्रेस की देन यहाँ पे प्राइमरी की लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे आप लेफ्ट क्लिक करते हो। जब लेफ्ट क्लिक करते हो रोल नंबर के आगे इस तरह से की ये सिंबल बन जाता है, तो इसका मतलब अब रोल नंबर क्या बन गया है, प्राइमरी की बन गई है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार व्यू पे जाते हैं, देन हम डेटा शीट व्यू देखते हैं, सेव करना है टेबल को, यस हमने सेव कर दिया। चेंजेस यू रिक्वेस्ट टेबल वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड नॉट गेट डुप्लीकेट वैल्यू इन इंडेक्स मेमोरी की, ओके ठीक है। एरर वर एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द सेव ऑपरेशन, इंडेक्सेस वर नॉट एडिटेड, ओके 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 ठीक है। ये अब रोल नंबर क्या है, आपने सेव कर लिया है, रोल नंबर की क्या है, प्राइमरी की है, तो रोल नंबर कहाँ पे बन गया है, प्राइमरी की। अब आप डेटा शीट व्यू देखो क्या शो कर रहा है, ओके देखो अभी क्या कह रहा है, मैसेज क्या बता रहा है, देखो मेरी बात सुनो, ये कह रहा है चेंजेस यू रिक्वेस्टेड टू टेबल वर नॉट सक्सेसफुली बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यूज इन द इंडेक्स प्राइमरी की, क्योंकि हमने रोल नंबर में क्या ली हुई है, डुप्लीकेट वैल्यूज ली हुई है, तो यहाँ पे प्राइमरी की अगर कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं, वो कहते हैं वहां पे डुप्लीकेट वैल्यूज वो लगाने से पहले भी बोल रहा है, मीन्स आप जब टेबल में वैल्यू एंटर करने स्टार्ट करते हो ना तो पहले ही आपको प्राइमरी की लगानी है। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे ये छोड़ देती हूँ, एक बार प्राइमरी की नहीं लगाती हूँ, तो अपने इस व्यू पे जाती हूँ, व्यू पे मैं क्या लेती हूँ, डेटा शीट व्यू, ये सेव हो जाएगा विदाउट प्राइमरी की। यहाँ पे देखो ये जो रो है ना 101, मैं इसको यहाँ से डिलीट करती हूँ क्योंकि मेरी प्राइमरी की लग ही नहीं पा रही है। तो डिलीट करने के लिए मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया देन डिलीट रिकॉर्ड किया, ठीक है। तो इस तरह से ये रिकॉर्ड देना डिलीट चला गया है, तो मुझे प्राइमरी की लगानी है। अब देखो अभी रोल नंबर वैसे यूनिक है, अब क्या करती हूँ मैं डिजाइन व्यू में जाती हूँ, अब रोल नंबर सिलेक्ट किया हुआ है देन राइट क्लिक किया देन यहाँ पे प्राइमरी की लगाई, प्राइमरी की लगाई देन आप उसको सेव कर दो। यहाँ पे आपने सेव किया, सेव करने के बाद सेव आपको पता ना कैसे करना है, ऑफिस बटन पे जाना है और सेव पे क्लिक करना है, ये तो बहुत बेसिक है, ये आपको आता ही अच्छे से ना। पे क्या लगा दिया, प्राइमरी की लगा दिया, मैंने यहाँ पे प्रेस किया तो यहाँ पे प्राइमरी की अगर मैं लगाती हूँ, क्लिक करती हूँ तो प्राइमरी की लग जाती है। अगर मैं इसको फिर से क्लिक करती हूँ तो यहाँ से प्राइमरी की, मतलब एक बार क्लिक करते हो तो एक बार अप्लाई हो जाती है, फिर से क्लिक करते हो तो वो आपकी प्राइमरी की हट जाती है वहां से। तो इस तरह से आप प्राइमरी की अप्लाई भी कर सकते हो, डिस्कार्ड भी कर सकते हो। मुझे सपोज ये आईडी वाला नहीं चाहिए, ये फील्ड मेरे को किसी काम करनी है फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूँगी, सिंपली यहाँ पे करूँगी, राइट क्लिक करूँगी, डिलीट थ्रो करूँगी, सिलेक्टेड फील्ड को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो, वो मैसेज डिस्प्ले कर रहा है, यस। तो इस तरह से आपका यहाँ से डिलीट हो गया, मेरे पास 3 कॉलम है, रोल नंबर, नेम एंड क्लास। अब मैं व्यू पे जाती हूँ, व्यू पे देखो डेटा शीट व्यू पे जाते हैं, सेव करना है टेबल को, यस। तो ये सेव हो गया, व्यू पे देखो यहाँ पे 101, 102, 103। अब नेक्स्ट पे मैं क्या एंटर करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 101,
तो आगे करती हूँ, रिकॉर्ड एंटर करती हूँ, स्पोर्ट्स MNP, देन कर देती हूँ क्लास पोज ऑफ फर्स्ट। तो अब देखो क्या कर रहा है। द चेंजेस यू रिक्वेस्ट टू टेबल वर नॉट सक्सेसफुली बिकॉज दे वुड क्रिएट ए डुप्लीकेट वैल्यूज इन द इंडेक्स। तो प्राइमरी की में क्या बोल रहा है कि आप सेव नहीं कर सकते। क्यों नहीं सेव कर सकते? क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज है। अगर इसकी जगह पे मैं 104 एंटर करूँ, देन करके देखो, देन ये ऑटोमेटिकली सेव हो गया। आप नेक्स्ट रिकॉर्ड एंटर कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, रोल नंबर प्राइमरी की में क्या है, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं ले सकते। जैसे 101 आप 2 बार एंटर करवा दो, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने रोल नंबर पे क्या लगाया हुआ है, प्राइमरी की लगाई हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आज आपने क्या किया कि प्राइमरी की को कैसे अप्लाई करना है, और टाइप्स क्या होती हैं। डेटा टाइप्स मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको बताई, टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट, टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर्स। ठीक है, टेक्स्ट में क्या है, आप अल्फान्यूमेरिक करेक्टर्स लेते हो, और नंबर्स में आप जस्ट इंटीजर टाइप वैल्यू और फ्लोट टाइप वैल्यूज लेते हो। तो आज हमने इसको प्रैक्टिकली किया, बाकी डेटा टाइप्स भी हम वन बाय वन इस तरह से प्रैक्टिकली करके देखेंगे जब हम और भी वैल्यूज यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, जब भी किसी फील्ड को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट फील्ड की प्रॉपर्टीज यहाँ नीचे आपको दिखाई देती हैं, जैसे क्लास की फील्ड साइज ये है, फॉर्मेट ये है। तो इस तरह से ये क्या है, इस फील्ड की प्रॉपर्टीज हैं जब भी किसी फील्ड को हम सेलेक्ट करते हैं। राइट, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। आपने प्रैक्टिस करनी है, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना है। ठीक है जी, व्यू पे आप डिजाइन व्यू और डेटा शीट व्यू हमने लास्ट टाइम भी किया था। डेटा शीट व्यू में आप वैल्यूज एंटर करते हो, डिजाइन व्यू में आप डेटा टाइप चेंज करते हो। लाइक दिस आप इस तरह से अपने एमएस एक्सेस पे टेबल को क्रिएट करके वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।